क्या है यहाँ पे 8 घंटों की। हर कोई कहता है ये नहीं हो सकता, हम भी मानते हो नहीं सकता तो नहीं कहूंगा, मुश्किल है, लेकिन प्रयास किए जाए तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें आगे आता है रूल 3A जो कहता है कि आपकी ड्यूटी सिर्फ 5 घंटों तक हुई है, आप परमानेंट होने का दावा नहीं कर सकते, है ना। उसमें आ रहा है आपके पास एक्स्ट्रा इनकम भी है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां बड़ी हुई है ना, उनके हिसाब से वो रूल 3 ही झूठा साबित हो जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें 5 घंटे से ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है। PLI वगैरह के कई जैसे ऐसे काम है जो कमीशन बेसिस के हैं, खासकर IPPP। भाई डिजिटल इंडिया आया था, मोदी जी ने खुद इसको भी प्रोत्साहन दिया और इसके सपोर्ट में 2018 में IPPP आई थी, उसको लॉन्च भी उन्होंने किया था। पर हम सबको पता है ये प्राइवेट बैंक है एक तरह की, और हमें इसके काम के लिए कमीशन देते हैं। जब हम कहते हैं ना हमें इसका वेतन दो, हमें घंटे बढ़ाओ, तो कहते हैं आपको इसके लिए वो दे दिया गया है इंसेंटिव। हम चाहते हैं इंसेंटिव पे नहीं रखा जाए, इसको वर्कलोड में जोड़ा जाए। 5 घंटे भी इससे प्रभावित होते हैं हमारे, क्योंकि हमारे पहले से वर्कलोड तो तय है, उस वर्कलोड के हिसाब से हम 4 से 5 घंटे का काम करते हैं। लेकिन IPPP भी है, अलग तरह के बीमे भी आते हैं, बहुत सारे महिलाओं का भी कुछ वह है बीमा वगैरह, सब का सुरक्षा, तो इन सब से हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्रैक्टिकली, पर हम दिखा नहीं पाते उसको। एक इसमें है एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले उसी गांव के आदमी को BPM लगा दिया जाता था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है अलग गांव या डिवीजन तो आम बात है, अलग स्टेट से भी GDS आ रहे हैं। उत्तरांचल में वो मुद्दा भी उठा था, कहाँ है उत्तरांचल, उत्तराखंड की बात है शायद, अरुणाचल प्रदेश है ना, उत्तराखंड में भी। तो उन लोगों को सर मान लिया, उन्होंने पहले कह दिया मेरे पास कोई इनकम है, लेकिन वो तो उसके गांव में है, अब वो दूसरी जगह लग गया, उसकी इनकम तो खत्म हो गई ना सर। किसने खत्म की? इस विभाग ने खत्म कर दी सर, अब वो काम नहीं कर सकता, उसको बेरोजगारी बना दिया एक तरह का, और 4 घंटों के लिए लटका दिया ना, उसका टाइम बढ़ा रहे। तो एक्स्ट्रा इनकम खत्म हुई, 5 घंटों की सीमा भी पार हुई है। एक बिंदु और था मेरा, वो ये क्लेम नहीं कर सकते अलग अलग गांव से है वो, वही तो हाँ, एक वितरण एरिया हमारा लंबा चौड़ा है सर, और जो वर्कलोड जोड़ने का फॉर्मूला है ना, उसमें डिफॉल्ट ही है, डाक गिन लेते हैं लेकिन दूरी नहीं गिनते, वो कहाँ कहाँ जाके बांट रहा है। 5-5 गांव में सर प्रैक्टिकली 4 घंटों में वितरण संभव नहीं है, वो कैसे कर रहा है उसी को पता है ना। कोई हमें मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं सर, उसके फ्यूल के भी पैसे नहीं देते, काम साइकिल से करना होता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो मैं चाहता हूँ इन सब बिंदुओं पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और तरीके से मांग को उठाया जाए, अगर लीगली इसको ढंग से यूनियन उठाती है सर, हम सपोर्ट पूरा करेंगे। GPS आपके साथ है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं एक मुद्दा अभी याद आ गया मेरे को, मैं थोड़ा लेट हो गया था, यहाँ कुछ टी शर्ट का मुद्दा उठा था। चलो ठीक है फिर, धन्यवाद सर। आंदोलन तो संघ करेगा, हम आपके साथ हैं। जब टाइम थी 98 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार आए, हम लोग पहली बार इसमें संतोष कुमार सिंह जी मिलने के लिए सकते और वाजपेयी जी को कहा विभाग में ऐसा एक जगह है जिसका नाम ETA है, ना विभाग का है, ना सिविल सर्वेंट है, ना डिपार्टमेंट में बाहर कोई एजेंसी, आप लोग परमानेंट है कि नहीं बताइए, आप लोग परमानेंट हो ना, आपको कभी निकाल नहीं सकते, पता नहीं जाओ आपको निकालने के लिए कोई फ्रॉड पकड़ना है, कुछ एक्शन लेना है, तब निकल सकते हैं। आज जो मांग कर रहे हैं आप लोग कि हमको सिविल सर्वेंट घोषित किया जाए, आप लोग सिविल सर्वेंट पोस्ट होल्ड करते हो, जान लीजिए उस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो जिक्र साहब ने किया, उस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद विभाग ने आपको सिविल सर्वेंट पोस्ट होल्डर कहता है, आप सिविल सर्वेंट पोस्ट होल्डर हो, लेकिन वो टाइम नहीं है, समय का हिसाब से 8 घंटे का ड्यूटी नहीं है। मैं उस बात पे जाता हूं, जब ETA को बदल करके आज जो GDS CDS कहे थे ग्रामीण डाक सेवा, इसका मुद्दा हम लोगों ने उठाया और वाजपेयी जी ने, तब अरुण जेटली जी नहीं रहे, सुषमा स्वराज जी आज नहीं है, दोनों मिलकर तब कम्युनिकेशन मिनिस्टर में, वो आपका बिहार का पासवान जी थे, उन्होंने कहा कतई हम नहीं करेंगे, ये ETA एजेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, और उन्होंने फ्लाइट लेके चला गया वहां,
हम लोगों ने वाजपेयी जी के साथ जाके अरुण जेटली जी का वहां बैठे और कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा नोमेनक्लेचर हम बदल देंगे। तो हम लोगों ने कहा कम्युनिकेशन मिनिस्टर कह दिया है पासवान जी कि कतई हम नोमेनक्लेचर बदल नहीं करेंगे। तो जब तक फ्लाइट में पटना उतरे तब तक नोमेनक्लेचर बदल गया और ईडीए से आप लोग आज ग्रामीण डाक से बात करें, इसका श्रेय इस संगठन का है। ये मुद्दा इस संगठन का है। जो जिंदगी में छुट्टी नहीं मिलता था, पहली बार लीव विद टीआरसी मिला, पहली बार लोगों को छुट्टी मिला, पहली बार इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स ऑफ स्केल तैयार हुआ, कभी नहीं था। आज विभागीय द्वारा आपका भी 3% इंक्रीमेंट होता है, आपका भी हर साल 3% इंक्रीमेंट बढ़ता है, पहले ऐसा हिसाब 70 साल से नहीं था बनता, ये इस संगठन ने कराया। दूसरी चीज, आज तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, आपको मैटरनिटी लीव मिल रहा है विभागीय द्वारा, ये सब चीज बाकी संगठन में नहीं था। अब कहा था संगठन क्या मुद्दा हमारे असली मुद्दे पे नहीं आया, ये सब असली मुद्दे नहीं था, यही सब मुद्दा असली थे। और भी काम करना बाकी है। एक चीज आपको बता दू, पूरा गांव में घूमते हुए पूरा देश में सिर्फ जीपीएस नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्कीम वर्कर वो भी घूम रहा है, उसका भी काम काम से कम है, वो भी लड़ाई लड़ रहा है पीएमएस का प्लेटफॉर्म है। सीएससी 91 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी स्कीम वर्कर नाम के घूम रहा है, सिर्फ श्रेय पोस्टल डिपार्टमेंट में, लेकिन आप लोगों ने जो करा दिया। अभी वैसा बोल रहे थे कोरोना काल में हम लोग काम किए थे, बोल रहे थे ना कोरोना काल में आपने जो काम किए उसके लिए विभाग का आयु बढ़ गया, उसके लिए इस विभाग को नोटिस में आया प्रधानमंत्री जी का, उसने कहा हाँ ये पोस्टल डिपार्टमेंट ही है, जिस समय रोड में कुत्ते के अलावा कुछ नहीं चल रहा था उस समय इस पोस्टल डिपार्टमेंट का लोग गांव गांव में जाके उस माताओं को पैसा विथड्रॉ करके दिया। यही पोस्टल डिपार्टमेंट का आदमी उसी गांव में जाके उसका बीबी को जो नकली करते थे बाहर उसका पैसा उठा के दिया, उसका संसार चलाया। ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट किया कौन किया? आप किया, इसी ग्रामीण डाक सेवक ने किया। ये पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट का जो कुछ बिजनेस जो कुछ दिख रहा है उसका स्तंभ है आप ग्रामीण डाक सेवक। ये सही है कुछ लोग काम नहीं करते हैं, ये सही है, मैं खुद देखा कभी पोस्ट ऑफिस देखा वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, सब जॉब होल्डर बन के चुपचाप बैठे, ये भी सही, ये भी सही है। आपको टारगेट का नाम पे अत्याचार हो रहा है, एक के बाद एक टारगेट दिया जा रहा है, ये सही है। और उसके लिए हम लोग पिछले बार जो दिनेश राय जी थी, चंद्रशेखर जी थे और डीजी साहब को मिलकर कहा जीडीएस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, टारगेट के नाम पे शोषण हो रहा है, टारगेट के नाम पे जीडीएस का वेतन बंद हो रहा है, टारगेट के नाम पे डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए। और आप सबका मोबाइल पे उस डीजी का ऑर्डर है, टारगेट के नाम पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं चलाया जाएगा। ये बंद किसने कराया? ये संगठन ने किया। आपका समस्या और मुद्दा के ऊपर एक एक विषय पे हम लोग आलोचना किए और एक एक विषय कर रहे हैं। जो आप लोगों ने साक्षी जी और रेणु जी ने जो बताया उस विषय पे मैं आता हूं, समय का बहुत कमी है। दो चीज एक चीज बताइए, आप आरपीएलआई करते हो गांव में जाकर, पीएलआई भी करते हो, हम तो नहीं कहते आरपीएलआई दूसरा विभाग का है, वो तो इंश्योरेंस है, पोस्ट ऑफिस का सब क्या है, ये तो नहीं कहता हूं, हम कहते नहीं आरपीएलआई है पोस्ट ऑफिस का, बोलते हैं पार्सल सेवा देते हैं, हम बोलते हैं पोस्टल का, तक सब कुछ छोड़ देंगे तो पोस्ट ऑफिस में क्या बचेगा? मेल चिट्ठी, जिसका संख्या अब पोस्टल का बिजनेस 78 का अगर कहे उसके बाद 10% रह गया, लोग चिट्ठी नहीं लिखते, सिर्फ नौकरी के लिए कुछ कंपनियां अपना अपना लेटर रजिस्ट्री पे भेजते हैं और सरकार के कुछ स्कीम है जो डाक विभाग को देते हैं हम बांटते हैं, तो पोस्ट ऑफिस बचेगा नहीं, पोस्ट ऑफिस का बाकी चीज है। आईपीपी क्यों आया हुआ है?
आईपी में पहली मीटिंग जब हुआ इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक पूरा देश से यह आवाज आया पोस्ट ऑफिस में खाता खोल के हम क्या करेंगे, उसमें ना ट्रांसफर कर सकते हैं ना बाहर पैसा भेज सकते हैं ना खरीदारी कर सकते हैं, पासबुक लेकर घूमना पड़ता है और जाके वहां प्रिंट करो लाइन लेके और प्रिंट के बाद वहां से पैसा उठाओ, ये काफी परेशानी है। तो विभाग ने अप्लाई किया कहां, हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करते हैं। किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं किसान विकास पत्र जो भी हो वो पैसा रिकरिंग डिपॉजिट का पैसा किसको देते हैं, सरकार को देते हैं, सरकार की तरफ से हम लोग एजेंट बन के काम करते हैं, उसके लिए कमीशन मिलता है। एक ग्राहकों का खाता मेंटेन करने के लिए पूरा साल मेंटेन करने के लिए 232 रुपया हमको मिलता है। ये हमारा बिजनेस नहीं था, ये हमारा सरकार की तरफ से एजेंसी लेकर काम करना था। विभाग पहली बार का हमको बैंक बनाना है, अप्लाई किया पता है रिजेक्ट हो गया। बंधन बैंक का नाम सुना आपने, उसी समय बंधन बैंक अप्लाई किया उसको आरबीआई ने दे दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर दिया, दो बार रिजेक्ट हो गया। तब बाहर से लोगों को लाया गया, क्यों रिजेक्ट हो रहा, बाहर के लोग आए थे, अब नहीं है विभाग में, उस समय कुछ बाहर का कंपनी को लोगों को लगाया था, उन्होंने कहा इस स्ट्रक्चर में नहीं होगा, आपको बैंकिंग के लिए अलग स्ट्रक्चर बनाना है। पोस्टल डिपार्टमेंट ने बैंकिंग के लिए आईपीबीबी का शुरुआत किया और उसी में विभाग को जो पॉलिसी तो ये तैयार हुआ था उसमें यही था, पोस्टल डिपार्टमेंट आईपीबी बैंक का काम करेगा, उसके बिजनेस करेगा और आईपीबी मैनेजर जो बनेगा वो बाहर का आदमी हो सकता है, विभाग का आदमी भी हो सकता है और वो इसको मैनेज करेगा, आरबीआई का रिप्लाई देगा, आरबीआई का पूरा पॉलिसी करेगा। ये अगर हम कहें आईपीबी अलग कंपनी है, एक गलत है, आईपीबी इज ओन्ड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, जैसे पीएलआई है ऐसे एक शाखा है आईपीबी इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ये सिस्टम। ये जो गलत था हम लोग हो रहा है, क्यों इंसेंटिव दे रहा है, तो काम कराना है, जीडीएस का तनखा बढ़ाना है, जीडीएस का समस्या बढ़ाना है, इंसेंटिव कर रहा है। मेरा गांव में 3-4 जीडीएस ऐसा है महीने में 30,000-40,000 सब इंसेंटिव कमा रहा है। लेकिन हम लोग आप लोग हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड देखिए, विभाग को कहा इंसेंटिव खत्म करो और इंसेंटिव को वॉक लॉ करो, क्या नियम है। आज चक्सी जी कह रहा था, रेणु जी कह रहा था स्प्लिट ड्यूटी क्यों करेंगे, स्प्लिट ड्यूटी में 10 बजे से 11 बजे तक ऑफिस करो फिर घर जाओ फिर 3 बजे से 4 बजे ऑफिस करो, ये जो स्प्लिट ड्यूटी है आपको बता दूं, स्प्लिट ड्यूटी के खिलाफ हम लोगों ने बहुत बड़ा मोर्चा खोला था, लेटर लिखा था और विभाग से आदेश हो गया पूरा देश का स्प्लिट ड्यूटी खत्म किया जाए, एक साल ऑफिस किया जाए। अगर राजस्थान में नहीं हो रहा है वो राजस्थान का फॉल्ट है, उसे क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसी लिए संगठन चाहिए, ऐसे इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हम घूम के कुछ नहीं कर सकते, बोल के कुछ नहीं कर सकते, सोशल प्लेटफॉर्म में चलाने से कुछ नहीं होगा, हमको संगठन का जरूरत है। जहां जहां है मैं बंगाल से बिलोंग करता हूं, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस मुझे अब नजर में नहीं आ रहा है, पूरा खत्म, मेरा जिला में तो पूरा बिहार का भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, हरियाणा में खत्म हो गया, नहीं है तो जहां है उसके लिए लड़ाई लड़ना है आपको, वो लड़ाई बाहर से कौन लड़ रहे, वो आपको लड़ना है, इसीलिए संगठन का जरूरी है क्योंकि आदेश है। टारगेट के नाम पर जब शोषण किया जा रहा है उस शोषण के लिए विभाग लेटर दिया है, शोषण नहीं किया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन चलाया नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको अगर चलाया है डिसिप्लिनरी एक्शन उसके लिए लड़ाई लड़ना है, आपका पास वो है लेटर, तो ये लड़ाई आपको करना है, इस समस्या का समाधान होगा। रेणुका जी ने कहा एसओ से बीओ कन्वर्ट नहीं होता है, उसका काम नहीं होता है, ये भ्रम है। मैं जानता हूं 1720 साहब ऑफिस को ब्रांच ऑफिस किया गया था, ये साक्षियां यहां कुछ दिन पहले क्या नाम था एसओ का, आपका उज्जवल ठाकुर का किया जा रहा था बीओ नाम किया जा रहा था,
हिमाचल में सोलन कूट मिशन में वहाँ एक साहब ऑफिस को बंद करके वहाँ बीओ बना दिया गया। मैं बताता हूँ, और वो दोनों व्यक्ति इधर आए, हम लोगों ने जाके परमिशन करके जो प्रपोजल था खत्म करके फिर बीओ से बनाया। अभी अभी फोन आ रहा है जूनागढ़ से, जूनागढ़ भावनगर पोस्ट ऑफिस था, साफ पोस्ट ऑफिस था, जब जूनागढ़ विजिट करने गया ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के लिए, तो देखा भावनगर एसओ को भावनगर बीओ बना दिया गया, एसओ को खत्म किया गया, 1720 खत्म किया गया है। अभी भी 800 साफ ऑफिस को बैचेज बना दिया गया, क्योंकि वहां काम नहीं हो रहा। आपको जानकारी का कम नहीं, पूरा देश का अगर जान लीजिएगा तो ये भी खत्म हो रहा है। देखिए घर घर जो आप लोग नेशनल फ्लैग वितरण किए और अपना अपना जेब से पैसा दिया है, देखिए ये तो अपना अपना इंस्पेक्टर ने कराया है। जहां हम लोग स्ट्रांग प्रोटेस्ट किए वहां कर नहीं पाए, और विभाग का कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि आपका जेब का पैसा देना पड़ेगा। ये अपना अपना इंस्पेक्टर अपना प्रमोशन के लिए प्रसार करके किया है, ठीक है? सुन लीजिए भाई साहब, मैं चला जाऊंगा तो सुनो नहीं होगा। ये जेब से पैसा देना बात, अपना अपना इंस्पेक्टर का रोल है भाई साहब। ये अपना अपना सब डिविजन इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए और सुपर के कहने से कराया है। पूरा देश में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, नहीं हुआ है। तीसरी बात, ये जो नेशनल फ्लैग का जो अपमान हुआ है, देखिए फ्लैग कोड बदल गया है पहले से, अपमान तो कुछ होगा, इतना फ्लैग बिखरा जाएगा तो दो चार फ्लैग रास्ते में पड़ा रहेगा। देखिए पहले जातीय पताका को, नेशनल फ्लैग को हम लोग जो सम्मान देते थे उसका एक कोड था, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था फ्लैग का, हम उसको उतार के घर में नहीं लगा सकते, ऑफिस में लगाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में उसको उतारो, ऐसा नियम था। लेकिन उस कोड को बदल गया है, अभी उसको पॉपुलराइज किया गया है हर घर में तिरंगा, ये कोड बदल गया है, कानूनी तौर पर बदल गया है। इसीलिए झंडा का अपमान आज का डेट में, पुराने जो हम लोग थे पुराने जमाने में बहुत अपमान होता है, आज का कुछ कोड बदल हुआ, ऐसा नहीं है झंडे से हम अपना गाड़ी पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन झंडे हर घर में हम उतर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति का विषय है, मैं अपना घर में झंडा उतर के पैक करके रख दिया, ठीक है, लेकिन किसी ने देख दिया। ये अलग अलग मानसिकता का आदमी है, वो हम रोक नहीं सकते। देखिए बिजनेस करना है, आज का डेट में पोस्टल डिपार्टमेंट का बात खत्म हो गया, जैसे बीएसएनएल खत्म हो गया बाकी कंपनी आ गया, बीएसएनएल का हाल देखिए पूरा देश धीरे 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 खत्म हो गया। अगर पोस्ट ऑफिस सोचेंगे हम और भी सेवा मारे, हम सिर्फ लेटर को पोस्ट कार्ड को पहुंचाएंगे घर घर में, ये हमारा काम है, इसमें हम रह जाएंगे, तो इस विभाग को खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। इसीलिए हमको भी बिजनेस ओरिएंटेड काम करना है, हमको भी इस दुनिया में इसमें हमको भी रखना है, अपना पैदल रखना है। और कोरोना काल में जो काम आप लोगों ने किया उसका सरकार ने तारीफ की, और मोदी जी खुद मन की बात में है उसका तारीफ की, इसमें आयु बढ़ा दिया गया। देखिए डबल ड्यूटी अलाउंस का मामला है, इसमें कुछ स्पष्ट करता हूं, ये ऑप्शनल है, आपको जबरदस्ती नहीं लगा सकता, लेकिन जो ऑर्डर है विभाग का 75 डेज 75 दिन तक, कितना दिन तक, 45 डेज के लिए लगा सकता है विभाग, जब तक उसमें रिक्रूटमेंट ना हो उस लीव वैकेंसी में जो बीपीएम है उसका जीडीएस एमडी का काम उसको दे सकते हैं, या एमडी का काम बीपीएम को डीपीएम का काम दे सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। अब पूरा देश में क्या चल रहा है, दूसरे ऑफिस से उठा के लाकर लगा रहा है, ये रूल में नहीं है, ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, इसके लिए आपको सतर्क रहना है, प्रतिवाद करना है, खत्म हो जाएगा। सिर्फ 45 डेज का पावर है उनको, और उसका बाद अगर आप 2300 रुपया क्या है 2300 रुपया डबल ड्यूटी अलाउंस का 2330 रुपया अगर आपको लेना है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको लेना नहीं है तब लिखित रूप में बोल सकते हैं कि 45 डेज मेरा हो गया, उसमें रिक्रूट करो नहीं बाहर का आदमी लगाओ,
ये नियम है, ये नियम का गलत तरीके से इंस्पेक्टर अपना अपना हिसाब से चला रहा है, ये गलत है, इसका प्रतिवाद होना चाहिए। देखिए जीडीएस का दुर्दशा का अत्याचार, खास करके रविंद्र जी पूरा विषय बता दिया, मुझे समझ में आया पूरा जीडीएस का जितने प्रॉब्लम है उन्होंने बताया, और भी मुझे तो और भी कुछ बता लगा मन है, लेकिन ये समस्या है और इसका समाधान के लिए संगठन है, संगठन इसीलिए है आपका उस समस्या का समाधान करना है। जैसे रेणु जी ने बताया था, सक्सेस जी ने बताया था, एक सेक्सुअल हरासमेंट का प्रूफ चाहिए, कहाँ से प्रूफ लाऊं, ऐसा कुछ चीज उन्होंने बोलने का कोशिश किया। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पढ़िए, उसमें प्रूफ देने का कोई जरूरत नहीं है। उस महिला कर्मचारी का अपना जवानबंदी जो देगा, दैट इज द प्रूफ, कैमरा का जरूरत नहीं है, साक्षी का जरूरत नहीं है, दो आदमी देखे जरूरत नहीं है, वो रूल में है, उस महिला का बयान काफी है। जब कंप्लेन देगा तुरंत एक्शन लेना है उस अधिकारी को, वहां से ट्रांसफर कर दूसरी जगह, नहीं तो उस महिला को उठा के उसका सेफ जगह में तुरंत उसको ट्रांसफर करो, और सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी के तहत एक पिसा का गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, उसी के तहत एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बिठाओ, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी 5 जोन का होगा, उसमें 4 महिला कंपल्सरी है, और उसमें बयान देना है, और वो इंक्वायरी करेगा, उसको प्रूफ करेगा, उसका दायित्व है। बहुत सेफ प्रोसीड्योर सरकार ने दिया है, इसमें कोई गलत कमी है, हमको प्रूफ चाहिए, हमको कैमरा का फोटो चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर कंप्लेन आप दिए वो कंप्लेन अगर सच है तो प्रूफ होना ही है, प्रूफ होना ही है। ऐसा भी है गलत तरीके से किसी को फंसाया जा रहा है, लेकिन वो भी प्रूफ हो जाता है जब इंटरनल कंप्लेन कमेटी उसको इंक्वायरी करेगी। देखिए 4 घंटे का ड्यूटी है, 5 घंटे का ड्यूटी है, आज जो रिक्रूट हो रहा है वो मिनिमम वेज पे रिक्रूट हो रहा है, मिनिमम जो घंटा है, लेकिन विभाग का रूल क्या है, विद इन 6 मंथ, 6 महीने का अंदर उसका वर्कलोड रिव्यू करना चाहिए, और अगर वर्कलोड ज्यादा है 5 घंटे 6 घंटे का, उसी हिसाब से वर्कलोड बढ़ाना है, ये नियम है, लेकिन ज्यादातर इंस्पेक्टर नहीं करते, चलते रहते हैं पुराने, करते ही नहीं, लेकिन 6 महीने का अंतर करना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाना है, सर 6 महीना हो गया आपने रिव्यू क्यों नहीं किया, इसके लिए संगठन चाहिए, एक साथ जाना चाहिए, बोलना चाहिए। देखिए हम सरकार जो 2-3 चीज आपने बताया, सरकार मजबूर कर दिए है दूसरा इनकम के लिए, देखिए सरकार का व्यू तो सही है, सरकार का कहना जो है उसी पर सरकार तो अटल है, लेकिन कुछ चीजों हम लोगों ने बदल दिया, कुछ चीजों में हम लोग जीडीएस रिक्रूटमेंट में, पहले ईडी था रिक्रूटमेंट में, क्या था इंस्पेक्टर को 3 लाख रुपया दो और अपने बच्चे को, किसी जगह 5 लाख, किसी जगह 6 लाख, ये सिस्टम था। हम लोगों ने इस सरकार को कह दिया, क्योंकि मोदी जी एक स्पीच में कहा कि लोअर लेवल पे कोई इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, और उसी स्पीच को कॉपी करके विभाग को दिए और ऑनलाइन सिस्टम हुआ, आज जितने लड़के आए लड़की यहाँ बैठी हुई है 90% मार्क्स लेके ज्वाइन हो रही है, अरुणाचल प्रदेश वही जा रहा है जिसका मार्क्स कम है, अरुणाचल में 90% मार्क्स कम है, इसीलिए यूपी में बैठे बैठे मैं अरुणाचल में अप्लाई करते हैं, और वहां ज्वाइन कर लिया, वहां 80% मार्क्स में हो गया, ये सरकार मजबूर, ये सरकार आपको भेज रहा है, अब खुद जा रहा है, सरकार तो बोल रहा है लोकल लैंग्वेज प्रिपेयर करो, लोकल लैंग्वेज, तो क्यों आप अरुणाचल में जा रहे हो, वहां की हिंदी लैंग्वेज है, क्यों आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो और वहां जाके रोना शुरू कर देते हो, जम्मू कश्मीर इसीलिए गए ना, तुम्हारा मार्क्स 80% है इसीलिए गया, सरकार तुमको मजबूर नहीं भेज रहा है, देखिए पहले क्या था, ईडी का रिक्रूटमेंट सिस्टम मैट्रिकुलेशन का मार्क्स के ऊपर था, लेकिन वो उसमें इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में पूरा पैसा लेके ये लोग रिक्रूट करते थे,
आज हम लोगों ने सोचा ऑनलाइन सिस्टम होगा तो पैसा लेन देन वाली बात चले जाएगा, सही में चला गया। लेकिन कोरोना काल में सर जो कह रहा है ये हुआ है, सबको 95% मार्क्स दिया गया, हिमाचल प्रदेश में दिया गया, पूरा देश में हिमाचल प्रदेश का लोग, हिमाचल हरियाणा, पूरा देश में हरियाणा का बच्चा है, बंगाल में बैठे हुए हरियाणा का बच्चा, कैसे उस समय उसको 100% 100% मार्क्स दे दिया था, और जीडीएस ने अप्लाई करके जहां पर इतना मार्क्स नहीं है वहां जाकर नौकरी में क्या करें। ठीक है, देखिए आज मजबूरी है, नौकरी कम है, वो पूरा देश में नौकरी के लिए लोग जाते हैं। देखिए गुजरात से कोई लोग तो नहीं जा रहा क्योंकि वहां बाकी जो है सिस्टम बना हुआ है, इंडस्ट्रीज है, वहां नौकरी लग जा रहा है। गुड़गांव से कोई लड़की नहीं जा रहा है, कहां जा रहे, जहां जिस प्रदेश में नौकरी का अभाव है वो बेचारा क्या करे, उसका परिवार पालना है तो दूसरी जगह जा रहे हैं। ये मजबूरी हमारी है, सरकार का मजबूरी ने आपको मजबूरी जबरन भेज दिया है उस, तो आपका घर से दूसरी जगह, सरकार का तो वो है आप लोकल लैंग्वेज जानो, आपका लोकल में पोस्ट ऑफिस का काम लो, और वो पोस्ट ऑफिस में अगर काम लेंगे आपका जमीन है जायदाद है उसका साथ आप पोस्ट ऑफिस का काम कर सकते हो, ये मोटिव है। लेकिन हम लोग चाहते हैं सिविल सर्वेंट बनाओ, जब सिविल सर्वेंट बनाना कोशिश करेंगे तब बाकी थोड़ा ही होगा, जब हम लोग 8 घंटे ड्यूटी डिमांड करेंगे आपका डिमांड 8 घंटा है, 8 घंटा डिमांड के लिए जो अंतराय है वो है वो रूल, पहले क्या था सर्विस एंड कंडक्ट रूल था, ईडी का सर्विस एंड कंडक्ट रूल था, बदल के क्या हो गया कॉन्टैक्ट एंड एंगेजमेंट रूल, आपको एंगेज किया जा रहा है, एंगेज किसको किया जाता है वेजेस ट्रांसफर, घर में झाड़ू लगाने के लिए आप एंगेज करते हो ना, तो एंगेजमेंट मतलब एक तरह का से गाली है, आपको झाड़ू लगाने के लिए एंगेज किया गया है, ये एंगेजमेंट रूल बदल रहा है। और इस एंगेजमेंट रूल कहां पर है, 3A में है, 3 नंबर रूल में है, जब तक 3A नहीं हटेगा तब तक आपका डिमांड वो 8 घंटे का सही है, ऑटोमेटिक आपका वर्क लोड भी 8 घंटा हो जाएगा, अब 3A हटा दो, ये अंतराय है। बहुत सोच समझ के हम लोगों ने कुछ डिमांड रखे, ऐसा नहीं है आई पास बाकी संगठन की तरह हमको तुरंत सिविल सर्वेंट कर दो पेंशन दे दो पूरा हो जाएगा, वो 75 साल से हो रहा है, आवाज उठ रहा है, पोस्टरिंग हो रहा है, हुआ सिर्फ आवाज नहीं उठ रहा है, पूरा देश में हजारों केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हुआ नहीं हुआ, कहां अंतराय है, अंतराय आपके एंगेजमेंट रूल है, उसको पहले खत्म करो, बाकी ऑटोमेटिक आएगा। इसीलिए हम लोगों का पहला मुद्दा इस संगठन का पहला मुद्दा है कि कोई अनरियलिस्टिक डिमांड हम नहीं करेंगे, रियलिस्टिक डिमांड क्या है, हम लोगों को सम्मान चाहिए, रियलिस्टिक डिमांड है हमको प्रेस्टीज दिलाना है, रियलिस्टिक क्या है हमको प्रेस्टीज दिलाना है, और प्रेस्टीज को क्या है, कैसे प्रेस्टीज मिलेगा, उस एंगेजमेंट को हटाओ, उस 3A को हटाओ, पहला डिमांड हमारा है इस संगठन का, हम लोगों ने तय कर लिया इस पर लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, जहां तक जाना है 3A हटाओ, प्रेस्टीज दिलाओ। दूसरा डिमांड क्या है, प्रोटेक्शन दो हमको, एक सरकारी कर्मचारी ऐसा कह रहा था एक साथ गए ट्रेनिंग में, रास्ते में गिर गया, दुर्घटना होगा हमारे क्या होगा, सरकारी कर्मचारी तो हॉस्पिटल में जाएगा, उसका बिल मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अब गया तो अब गया, विभाग का काम के लिए गए, आपका पैर टूट गया, अभी लक्ष्मीकांत शर्मा हाथ में बैठने लगा के बैठे हुए, थोड़ा और खिसक जाता तो पूरा हाथ ही चला जाता, क्या होगा उसका, कुछ मिला है आपको पैसा, नहीं मिला, इसीलिए चाहिए, ये बड़ी मुद्दा है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे कि 5 लाख तक बीमारी का ट्रीटमेंट आप करा सकते हो, ये डिमांड है, ये आयुष्मान भारत से करो,
या कुछ भी इंश्योरेंस स्कीम लाओ, लेकिन जीपीएस को इंश्योरेंस देना सरकार का काम है, क्योंकि आप सिविल सर्विस पोस्ट होल्डर हो। ये प्रोटेक्शन जिसका क्या है, सब जीपीएस का डिमांड है भाई साहब। वो एक कमिटी ने बोला दिया अमरेश चंद्र रिपोर्ट में, 3 प्रमोशन चाहिए, पूरा जिंदगी जीडीएस में काम किया, कोई प्रमोशन नहीं है, सबका प्रमोशन मिलेगा। 12-36-36 नहीं आया, इसको दिलाओ, प्रमोशन दिलाओ, प्रमोशन चाहिए। और चौथा हमारा डिमांड है पेंशन, एक ओल्ड एज को तुम पेंशन देगा, एक ओल्ड एज का पेंशन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खाते में जा रहा है, एक डिसेबिलिटी को जो फिजिकल हैंडीकैप है उसको पेंशन दे रहे हो, एक विडो को पेंशन दे रहे हो। जीडीएस पैसा साल नौकरी करने का बाद उसका का जीने का हक नहीं है, वो उसको क्यों पेंशन नहीं दोगे? सरकार को देखना है, सरकार स्कीम करो और स्कीम से पेंशन दो। अब तो सांबादिक जो है मीडिया प्रेस कवर उसको भी पेंशन दिया जा रहा है, जो आर्टिस्ट है उसको भी पेंशन चालू कर दिया। तो इतने पेंशन सरकार चालू कर सकते हैं, तो जीडीएस के पेंशन क्यों नहीं दोगे? ये 4 डिमांड हमारा है, और इस 4 डिमांड में हम लोग तय किए पूरा देश में घूमेंगे, पूरा रैली करेंगे। ऐसा भी हो सकता है बंगाल से 50,000 जीडीएस बिहार झारखंड होते हुए जब दिल्ली पहुंचेंगे, वो 1,00,000 का जीडीएस दिल्ली में आ सकते हैं। मैं कर रहा हूं महाराष्ट्र से जीडीएस चलते हुए जब दिल्ली तक पहुंचेंगे, तब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान उससे जुड़ते जुड़ते 1,00,000 जीडीएस दिल्ली में आएंगे। हम प्लान कर रहे हैं, हम सोच में हैं। और उत्तर भारत से जम्मू कश्मीर से निकलते हुए जब धीरे धीरे हिमाचल हरियाणा घूमते हुए जब दिल्ली तक पहुंचेंगे 15 दिन में, तब उसका साथ ही 50,000 जीडीएस रहेगा। और उस दिन सरकार को देना ही है। इस 4 डिमांड के ऊपर इस संगठन ने आंदोलन घोषित किए हैं। अब नवंबर महीने में एक रैली के लिए हम लोग दिल्ली में करेंगे, डाक भवन में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आपका डिमांड का सही, आपका डिमांड का हो जाए। हम लोगों ने इतने समस्या जीडीएस को सुने, पूरा देश से आपके जो लीडर है, होनहार लीडर है, ये साउथ इंडिया से है, नॉर्थ इंडिया से, पूरा भारत का समस्या जीडीएस का, इन लोगों का जेब मतलब अपना जो जीवा में है, और ये लोग बोलते रह रहे हैं। तो ये मार्च करके हम लोगों ने तय किया इस 4 डिमांड, पहले हमारा प्रेस्टीज चाहिए, फिर हमारा प्रोटेक्शन चाहिए, फिर हमारा प्रमोशन चाहिए, फिर लास्ट में पेंशन चाहिए। इस 4 डिमांड के ऊपर पूरा देश में आंदोलन को संगठित करना है, और इस आंदोलन में आप सबको भाग लेना है। अगर आप लोग भारतीय मजदूर संघ के साथ इस संगठन का साथ जुड़ेंगे, अगर आप इस हमारा जो मिशन है इसका साथ आप लोग जुड़ेंगे, तो ईश्वर आज तक हम लोगों को नाकारा तक सोच नहीं दिए, नाकारा नहीं किए। हम ही है जो ईडी से एजेंट से आपको ग्रामीण सेवक बनाया, यही संगठन है। जिस संगठन ने आपको छुट्टी दिलाया, जिस संगठन में आपको इंक्रीमेंट दिलाया, जिस संगठन में पहली बार आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दिलाया, सेवरेंस अमाउंट ग्रेच्युटी दिलाया, इस संगठन आपका साथ देंगे, हम करेंगे पक्का। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो इस संगठन में एक नया ऊंचाई देगा, क्योंकि हम लोग जो आप लोगों का स्पीच सुने, जिस युवा स्पीच हम लोग सुने, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो एक आवाज, हमारी आवाज एक भवंडर बन जाएगा पूरा देश में। और इस सरकार में जो लोग बैठे हैं, इस डाक भवन में जो लोग बैठेंगे, उतना कुर्सी भी हिलते रहेगा अगर आप साथ हमारे साथ जुड़े। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए कुछ क्वेश्चन है? इसी अपील का साथ मैं मेरा वाणी को विराम करता हूं, और 2-4 चीज अगर आपको पूछना है तो पूछिए। सर, आपने कहा कि हमने आपके नाम से एजेंट हटा दिया और आपको ग्रामीण डाक सेवक बना दिया, लेकिन सर हम आज भी एजेंट ही हैं। नाम बदलने से नहीं होगा सर, हम विभाग के भी एजेंट ही है और एफबीबी के भी एजेंट ही है।
हमें सर्वेंट आदमी नहीं देना चाहता ठीक से। और सर 8 आवर्स की ड्यूटी पे है ना, उस पर थोड़ा आपका कमिटमेंट चाहिए हमें। एक तो सर हमारे साथ है ना टारगेट दिए जाते हैं, जबरदस्ती की जाती है, हो सकता है यहीं पे सर इसको नकार भी दे, लेकिन हमारा जीव जानता है होता है। तो धमकी देते हैं तेरे पे, एक सर लूंगा, इंक्रीमेंट रोक दूंगा, तुझे पुट ऑफ ड्यूटी कर दूंगा, होता नहीं है, मैं भी मानता हूँ। आपने भी कहा कि इसका सर्कुलर भी जारी हो रखा है, ये नहीं हो सकता, ये मैं भी कह रहा हूँ। पर सर धमकाया जाता है, जो मेरे जैसा है वो नहीं डरता, डरता है लेकिन जीडीएस सर जो नहीं जानता है, ऐसा होता है अंदरूनी तौर पे जीडीएस डरा हुआ है। सर आप कह रहे हो नहीं जुड़ते हो, उसका ये कारण है। जीडीएस क्यों जुड़ेगा, वो डरा हुआ है, उसको डराया जाता है, नौकरी चली जाएगी, ध्यान रखना। एक आपने कहा सर कोरोना का श्रेय लिया मोदी जी ने, काम हमने किया, सर श्रेय से थोड़ी चलेगा। हमारी हेल्थ पे भी पहली बात तो कोई घोषणा नहीं हुई, हमने ट्वीट की थी, मांगी की थी कि हमें कब सैनिटाइजर मिलेगा, कब हमें वो ग्लव्स मिलेंगे, कुछ नहीं दिया गया था सर, केवल फॉर्मेलिटी हुई थी। पूरा नहीं है सर, लेकिन ये होता है सर, मैं भी कह रहा हूँ नहीं होगा शायद, लेकिन हो सकता है सर, हमें टारगेट किया जाता है अंदरूनी तौर पे सर, फ्रेस है सर, कहीं भी सहयोग नहीं है। एक बात आई थी काम नहीं करते 40%, भाई ने किसी ने बोला भी था, मैं तो कहता हूँ अभी भी बीओ को ही बंद कर दो, हो सकता है वहां काम ही नहीं होगा, जीडीएस कहां से लेके आए, वो में रखा हुआ है तो निकाल के ले आएगा, हो सकता है वहां की जनता नहीं चाहती होगी काम, बीओ बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन सर विभाग का नारा है अहर्निशम सेवा में है, ये विभाग सेवा के लिए सर, रेवेन्यू के लिए नहीं है। आपने कहा बिजनेस हमें चलाना है, रेवेन्यू जरूरी है सर, रेवेन्यू के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहां पे सैलरी इतनी नहीं दी जाती है, वहां पे रेवेन्यू ही रेवेन्यू है, तो यहाँ पे सैलरी पे इतना जोर क्यों दिया जाता है, इसको सेवा मान के ही आगे बढ़ा दो। सर एक बात आपने कही थी कि खाते है ना वो लीक किए जा रहे हैं, अलग होना चाहिए, क्योंकि विभाग में कहा गया कि आरबीआई ने कहा आप वो उस फ्रेमवर्क में नहीं आते, ऐसा कुछ आपने बोला था सर। खाते सर विभाग के हैं, डीजीटी तो है वो भी, और आईपीपीबी का क्या है, डीजीटी है, उस डिजिट को सम्मिलित कर सकते हैं, और हमारे पुराने जो शुरू से खाते चले आ रहे उनको जोड़ा नहीं जा सकता, कहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रही है आरबीआई। और रही बात की कहते हैं आरबीआई नहीं मानी, तो सर आरबीआई अमेरिका की नहीं है, भारत की है, सरकार की इच्छा होना तो आरबीआई मानेगी सर इस चीज को। हाँ सर आपने कहा कि पोस्ट और पोस्ट डिपार्टमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया, इसलिए विभाग ही है, मैं भी मानता हूँ पोस्ट विभाग ने भी किया है, मोदी जी ने भी किया है, लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे हूँ, ये एक प्राइवेट बैंक है। अब आपने कहा ब्रोकन ड्यूटी है हमारी, वो एंड हो गई है और आदेश भी निकला हुआ है सर, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा वायरल किया जाए, क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, समस्या का समाधान करेंगे तो सर आप है ना संघ हो सर, हम तो जीडीएस हैं, हम अकेले भी अलग ही कर सकते हैं, लेकिन आप संघ है सर, आप चाहें तो रिटर्न में केवल एक लेटर निकालेंगे, उस पर विभाग को काम करना पड़ेगा सर। ये चीजें है ना लड़ाई में मेरे हिसाब से नहीं उठानी चाहिए, ये सिर्फ रिटर्न में और वर्बली हो सकती है सॉल्व। कमलेश चंद्र सर वेतन आयोग आते हैं हमारे भी लागू होते हैं, एक मिनट सर मैं सोर्स में पूरा कर रहा हूँ बस, वेतन आयोग आते हैं समय पे पूरे हो जाते हैं, नहीं होते, एक मिनट सर, 3-3 साल बाद में लागू होते हैं, और कमलेश चंद्रा के पीछे हम आज भी बड़े 12-24-36 कमलेश चंद्रा में था, मतलब अगला वेतन आयोग आएगा ना सर तब तक होता रहेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा सर, हाथों हाथ होना चाहिए, आप संघ है आपको उठाना चाहिए, पर नहीं उठाते सर। एक अपना 9वां जो रूल है ना रूल 3A में, उसमें बाकायदा कहा गया है कि आपसे डबल ड्यूटी करवाई जा सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर कि डबल ड्यूटी नहीं हो सकती है। मैंने फॉर्मूला का सवाल उठाया था कि आपके फॉर्मूले में फॉल्ट है, ठीक से हमारा वो गंडे नहीं जोड़े जाते, आपने भी माना सर उसको कि 4 से कई बार 5 भी नहीं होता है, क्योंकि वो SDI पे डिपेंड करता है, क्यों सर कैलकुलेशन अगर सही से हो रही है तो SDI करना पड़ेगा सर उसको, हमने सर रिक्वेस्ट करी हुई है कई बार लेकिन नहीं होता। आपने कहा डेपुटेशन होता है 45 दिन के लिए, सर ऐसे एग्जाम्पल 3-3 2.5 साल तक उसी जगह लगे हुए हैं,
लिखित में खूब रिक्वेस्ट हुई है लेकिन वापस मूल पद पे नहीं गया। वो आदमी मान लो SSP तक CPMG तक लिखा, उसको राइट नहीं है, मैं मानता हूँ भाई चैनल जाना चाहिए, पर सर कोई सुनता ही नहीं तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर दिया जाता, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। आप कह रहे हो मांग उठाई जाए तो उस पर काम होगा, नहीं होता सर। भाषा का इश्यू आपने उठाया था, वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है मैं वो भाषा बोल सकता हूँ तो अच्छी बात है ना। मुद्दा मैंने ये उठाया था कि रिक्रूट किया ही क्यों जाता है, जब आपकी शर्त है कि वो 4 घंटे के लिए है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या उसकी जो पुरानी जॉब उसके घर पे चल रही थी वो अभी वो जारी कर सकेगा, लेकिन इस पे बात नहीं हुई सर। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपने जो मांग उठाई अच्छी बात है, रूल 3 हटाओ, लेकिन आपने इतना ही कहा हमें प्रेस्टीज चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सर हमें 8 घंटे चाहिए, केवल प्रेस्टीज का क्या करेंगे, 8 घंटे पे कमिटमेंट अभी तक नहीं मिला है सर। दूसरी चीज थी आपकी प्रोटेक्शन, अगर हम नियमित हो जाते हैं ना सर, प्रोटेक्शन उसके साथ में गिफ्ट मिलेगा अपने को। फिर आई थी 12, 24, 36, हर एक परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ परमानेंट बैठे हैं ना, उनपे 10, 20, 30 या जो भी है वो लागू है, तो हम पे भी लागू हो सकता है, वो भी स्थायीकरण के साथ में एक सप्लीमेंट्री चीज ही है। फिर आता है मुद्दा पेंशन का, हाँ हम भी समर्थन करते हैं पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा ये भी उठ सकता है कि 60 से ऊपर वालों का क्या करोगे, 61 से 65 के भी GDS है उनके लिए पेंशन की जा सकती है। मेरे भाई ने आवाज उठाई कि उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति हो ना एक मुश्त वो कंट्रीब्यूशन सरकार दे सकती है, सरकार की इच्छा शक्ति हो ना उनके लिए कुछ भी ग्रेचुइटी वगैरह डिसाइड करके किया जा सकता है, इच्छा शक्ति सरकार की होनी चाहिए सर। अब मैं लास्ट में बस इतना कहूंगा, हमारी 8 घंटे की मांग के लिए कमिटमेंट कीजिए कि आप हमारा साथ दो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी मुख्य मांग यही है।